राजधानी पटना से बड़ी खबर मिल रही है। सीटीईटी बीटीईटी छात्रों ने जेडीओ ऑफिस का घेराव किया है। सातवें चरण की प्राथमिक शिक्षक बहाली की मांग को लेकर छात्रों ने सीएम नीतीश के खिलाफ नारेबाजी की है। सैकड़ों की संख्या में जेडीओ ऑफिस छात्र पहुंचे हैं। मौके पर पुलिस ने छात्रों को बलपूर्वक हटाया है। मामले में कई छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राजधानी में कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र। छात्रों ने कई राजनीतिक ऑफिसों का घेराव किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी पटना से बड़ी जानकारी। सीटीईटी और बीटीईटी के छात्रों ने जेडीओ ऑफिस का घेराव किया है। सातवें चरण के प्राथमिक शिक्षक बहाली की मांग कर रहे हैं ये छात्र। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी ये छात्र कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, पटना की ये तस्वीरें हैं। छात्रों ने कई राजनीतिक दफ्तरों का घेराव किया है। पटना से बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। सीटीईटी और बीटीईटी के छात्रों ने जेडीओ ऑफिस का घेराव किया है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। हालांकि देखिए इस दौरान पुलिस प्रशासन की टीम यहां पर मौजूद है और सैकड़ों की संख्या में छात्र जेडीओ ऑफिस के बाहर पहुंचे हुए हैं धरना प्रदर्शन करते हुए। मौके पर पुलिस ने छात्रों को बलपूर्वक हटाया है। और देखिए हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। मामले में कई छात्रों को पुलिस ने हालांकि गिरफ्तार कर लिया है। प्रशासन की टीम यहाँ पर मौजूद है। राजधानी में कई महीनों से ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों ने कई राजनीतिक दफ्तरों का घेराव भी किया है। और देखिए हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। राजधानी पटना की ये तस्वीर है, बड़ी खबर। सीटीईटी और बीटीईटी के छात्रों ने जेडीओ ऑफिस के बाहर ये प्रदर्शन किया है। सातवें चरण के मामले में देखिए छात्रों को गिरफ्तार भी पुलिस ने कर लिया है। प्रशासन की टीम वहाँ पर मौजूद भी है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी देंगे संवाददाता आदित्य, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदित्य देखिए जानकारी मिल रही है सीटीईटी और बीटीईटी के छात्रों ने जेडीओ ऑफिस का घेराव किया है। जी सातवें चरण की बहाली को लेकर के पिछले बहुत कुछ दिनों से जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार आंदोलन करते रहे हैं। देखे होंगे की पता के गांधी मैदान से निकल के जब डाक बंगलापुर भी आए थे तो उनकी गोली पानी की व्यवस्था बखार हुई थी, जबरदस्त पिटाई हुई थी छात्रों की पुलिस द्वारा। उसके बाद से लगातार सरकार के द्वारा आश्वासन मिलता रहा है कि जल्द ही सातवीं चरण के प्राथमिक शिक्षक की बहाली हो जाएगी। इसको लेकर के लगातार ये लोग आंदोलन करते रहे हैं। धनबाद में भी हम धरना पर बैठे हुए थे। आज एक बार वो फिर से जदयू कार्यालय के घेराव को निकले थे छात्र। तो जदयू कार्यालय के जब उनके पास पहुंचे तो पुलिस की टीम ने उनको वहीं से रोक के प्रदर्शन नहीं करने दिया। कुछ देर तक झड़प की स्थिति बनी रही क्योंकि छात्र लोग जितने भी अभ्यर्थी थे वो अभ्यर्थी लगातार सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे, क्योंकि सरकार की तरफ से और शिक्षा मंत्री की तरफ से बार बार ये आश्वासन मिल रहा है कि जल्द से जल्द सातवीं चरण के अभ्यर्थियों की बहाली होगी। लेकिन इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो रहा है और कुछ हो रहा है इसी को देखते हुए आज फिर जो छात्र उग्र आंदोलन करते हुए जदयू कार्यालय के घेराव में पहुंची थी, क्योंकि बिहार सरकार के दो मंत्री जमा खान और शीला मंडल इस समय जदयू कार्यालय में मौजूद थी। वो लोग चाह रहे थे कि किसी तरीके से मंत्री तक उनकी बात पहुंचे ताकि सरकार के सामने ये अपना पक्ष रख सके। लेकिन पुलिस की भारी बंदोबस्त के चलते उनको जदयू कार्यालय के बाहर ही रोक दिया गया। और इसमें याद होगा कि अनिसुर रहमान को एडीएम के द्वारा जबरदस्त पिटाई की गई थी पटना के बाजमेला चौराहे पर। आज के प्रदर्शन में अनिसुर रहमान भी मौजूद थे और वो चाह रहे थे कि किसी तरीके से बिहार सरकार के मंत्री उनकी बात सुने और सरकार तक उनकी बात को पहुंचाए। लेकिन उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और वो पुलिस के अधिकारियों ने और जो दंडाधिकारी थे उन्होंने उनके मांग पत्र को लेकर के कहा कि आपके मांग पत्र को मंत्री तक पहुंचा दिया जाएगा। तो लगातार पिछले कुछ महीनों से बीच में जब टीटीई का एग्जाम हुआ था तब से लगातार ये लोग आंदोलन पर हैं कि के बाद सरकार की तरफ से आश्वासन मिल रहा है कि छठे चरण के बाद जल्द से जल्द सातवें चरण की बहाली होगी, लेकिन सिर्फ सरकार का आश्वासन नहीं मिला है, लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। जी ठीक है।